हे नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे आपके चैनल पे हेटमिक्स में। तो गैस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले मिल्क के बारे में। तो मिल्क देना या ना देना वो हमारे मन में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होता। कन्फ्यूजन तब हमें होता है जब आधे लोग, जैसे कि 40% लोग मिल्क देते हैं और जो 60% लोग ऐसा बोलते हैं कि मिल्क नहीं देना चाहिए। उसमें भी कई कई डॉक्टर ऐसे होते हैं जो मिल्क अच्छे से बोलते हैं कि मिल्क कभी कभार दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट कोई डॉक्टर जो है मिल्क देने से बिल्कुल मना कर देते कि डॉग को बिल्कुल मिल्क नहीं देना चाहिए। और जो स्टार्टिंग में हमारे जो पूर्वज होते, जैसे कि दादा दादी, हमारे घर में कोई भी बड़े सदस्य, वो उनसे हम अगर पूछते तो वो ऐसा बोलते कि डॉग को मिल्क देना चाहिए, हम पहले देते थे। तो गाइस इन सब की बातें सुन के हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भाई देना है या फिर नहीं देना है। कोई कोई बोलता है दो, हम बहुत टाइम से दे रहे हैं, हमारे डॉग को कुछ नहीं हुआ। और कोई कोई बोलता है मैंने 2 से 3 बार दिया, फिर मेरे डॉग की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो इससे रिलेटेड आज की वीडियो आपको बताने वाला हूँ कि क्या आखिरकार देना चाहिए नहीं देना चाहिए, और ख़ास करके न्यू पप्पी आप जब घर पर लाते उसको भी देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो गाइस प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कीजिएगा। अगर मेरी बनाई वीडियो आपको जरा से भी अच्छी लगती तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं हम पपी को मिल्क देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो जैसे कि अगर आपका पपी, आप जैसे 30 दिन के अंदर लाते हो या 45 डेज़ का लाते हो या फिर कभी कभार कोई 50 दिन का भी लाता है घर पे, तो उससे पहले उसके मदर मिल्क अच्छे से वो दूध पी लेता है। मदर मिल्क में काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम होता है, विटामिन होता है, जो कि पपीज़ के लिए आगे जाके सर्वाइव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो पपी को चाहिए होते हैं मदर मिल्क में। तो हो सके जितना मदर मिल्क दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट हम क्या सोचते हैं कि जैसे घर पर आने के बाद भी जैसे उसको अगर दूध देते तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, उसकी सेहत अच्छे से अच्छी बनेगी। इसके लिए कभी कभी लोग जो है बकरी का दूध भी देते हैं, भैंस का दूध भी देते हैं और कभी कभार गाय का दूध देते हैं। मोस्ट ऑफ लोग गाय का दूध ज़्यादा देते हैं, बट ये नहीं देना चाहिए आपको पपी एज में। तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम होती है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो मोस्ट ऑफली प्रॉब्लम होती है वो क्या होता है कि गैस की प्रॉब्लम आपके पपीज को होना लगेगी, गैस डेवलपमेंट होने लगेगी। उसके बाद जो है उसको डायरिया होगा धीरे धीरे। डायरिया होने के बाद वो मॉर्निंग में या फिर 2-3 घंटे में ऐसा जैसे कि लूज मोशन करना, वॉमिटिंग करना, ये सब कुछ आपके पपीज को साथ जो है चालू हो जाएगा। अगर तो भी आप कंटिन्यू उसको दे रहे हो मिल्क, आप ध्यान नहीं दे रहे हो उसकी तरफ, तो क्या होगा, स्किन एलर्जी का जो सिम्टम्स होते हैं वो आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि रेडनेस हो गया, फिर कभी कभार पीछे के पूंछ के पास या फिर डॉग के नीचे रेडनेस होना, घाव होना। तो ऐसी सारी एलर्जी जो है पपीज को धीरे धीरे चालू हो सकती है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, तुरंत ही जो मिल्क बंद करना है और आपके डॉक्टर को दिखा देना, अपने जो भी वेट है उसको ज़रूर से दिखाना और जो भी उसका ट्रीटमेंट है वो शुरू कर देना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, वो धीरे धीरे लूज मोशन और वॉमिटिंग के कारण पपी की हेल्थ पूरी ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगी और जो आपकी पपी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो वो सब बंद करके आप जो है दही वगैरह भी, उसके अलावा दही दे सकते हो, जैसे कि बटर मिल्क एंड छाछ वगैरह होता है वो आप अपने पपी को दे सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जैसे कि आप सेरेलेक्स वगैरह देते हो वो भी आप दे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। पपी का सेरेलेक्स आता है, और जो अगर पपी का सेरेलेक्स भी नहीं मिल रहा आपके, अवेलेबल नहीं है, तो आप जो मेडिकल स्टोर में जो बेबी का सेरेलेक्स आता है वो भी दे सकते हो बच्चों का, वो भी काफ़ी अच्छा है। ध्यान रखना स्टेज आपको ज़रूर से ध्यान देखना है कितने स्टेज का आपको देना है। तो गाइस ये तो हुआ पपी के रिलेटेड, अब बात करते हैं हम डॉग को देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। तो गाइस जैसे अगर आप जो भी मिल्क है वो डॉग को देते हो, एडल्ट डॉग को देते हो, तो दूध के अंदर आपको जो है लैक्टोज देखने को मिलेगा, और जो एलर्जी बाय जो मिल्क होता है उसमें प्रोटीन आता है जिसके कारण आपके डॉग को एलर्जी से वगैरह हो सकती है, तो वो भी उसके अंदर देखने को मिलता है मिल्क के अंदर। और आपको बता दूँ लैक्टोज एक शुगर टाइप का भी होता है जिसकी मात्रा जो दूध में काफ़ी ज़्यादा होती है और जो कि डॉग के लिए काफ़ी अच्छा नहीं होता लैक्टोज। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में उसे देते हो तो पचा नहीं पाता, वॉमिटिंग करता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाता, और उसको कई कई जैसे कि बीमारी होना स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि लूज मोशन हो गया, फिर बार बार बीमार पड़ना, आपका डॉग मोटा ना होना, एकदम हेल्दी ना होना, फिर कभी कभार आपका डॉग सुस्त रहेगा, अनएक्टिव रहेगा, ऐसी सारी चीज़ें भी आपके डॉग के साथ होती रहेगी, बट वो धीरे धीरे करके पता चलती है, एकदम से आपके डॉग को नहीं पता चलेगी। अगर आप रेगुलर बेसिस पर दूध दे रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि ग्लास में दे रहे हो, रोज रोटी के साथ, कोई चावल के साथ देता है, कोई ऐसे ही देता है, तो उसको आप धीरे धीरे करके बंद कर दीजिएगा। जितना हो सके उतना आप उसको कम देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर एक साथ बंद करोगे तो डॉग जल्दी से फिर खाना भी छोड़ देगा। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे उसको रोज दूध की क्वांटिटी कम करके उसमें पानी डाल के उसको देना है। और उसके अलावा जैसे कि आप दही वगैरह दे सकते हो, छाछ वगैरह दे सकते हैं, या फिर डॉग फूड पे अगर शिफ्ट करना चाहते हो तो उस पर डॉग फूड भी दे सकते हो। तो उसके कारण क्या, दूध की जो हैबिट है वो उसकी बंद हो जाएगी और आपका डॉग अच्छे से खाना खा लेगा।
इसके अलावा बहुत सारे मेरे ऐसे भाई लोग हैं जिनके पास जो प्रेग्नेंट डॉग है, तो वो भी उनको जो है दूध वगैरह अगर देते हो तो प्लीज़ मत दीजिएगा। तो उसके कारण क्या होता है, जो हीट का जो साइकिल होता है वो कभी कभार उसके कारण प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपके जो प्रेग्नेंट डॉग है उसके बच्चे है, उसमें फिर दिक्कत या फिर दवा खाने का खर्चा है, फिर वो सब कुछ और भी प्रॉब्लम आ सकती है दूध के कारण, तो वो सारा खर्चा भी आपका बच जाएगा और आपका डॉग हेल्दी और फिट रहेगा। आप एक काम कर सकते हैं, आप लिवर टॉनिक अपने डॉग को फीमेल को दे सकते हैं या मेल को भी दे सकते हैं, वो उनके बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है, तो आप लिवर टॉनिक दो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, वो काफ़ी अच्छा होता है। तो गैस ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसमें लैक्टोज पाया जाता है, आपको दही में भी मिल जाएगा, आपको पनीर के अंदर भी मिल जाएगा, आपको चीज़ बटर के अंदर भी मिल जाएगा, बट दूध में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो दिन भर में अगर आप 2 ग्राम से भी ज़्यादा डॉग को लैक्टोज दे रहे हो तो उसके कारण उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। और जो बाकी चीज़ों में आपको लैक्टोज बताया मैंने, उसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा कम होती है इसलिए आपको वो चल जाता है, बट दूध में काफ़ी ज़्यादा होती है। हाँ, अगर आप चाहे तो उसको लस्सी दे सकते हो, लस्सी में कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी गर्मी का सीज़न जैसे चालू होता है तो आप लस्सी वगैरह भी उसे दे सकते हो ठंडे के लिए। कभी कभार आप आइसक्रीम वगैरह भी दे सकते हो, आइसक्रीम आप वेनीला आप दे सकते हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कोई जैसे कि फ्लेवर चॉकलेट या फिर आप बोल सकते स्ट्रॉबेरी, ऐसी फ्लेवर की मत दीजिएगा। आप वेनीला अगर देते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो भी आप कभी कभार ही दीजिएगा, नहीं तो उसको क्या स्किन एलर्जी का जो इशू होता है वो स्टार्ट हो सकता है। और कई बहुत सारे ऐसा लोग सोचते हैं कि हम स्ट्रीट डॉग को तो मिल्क देते हैं वो कैसे डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो उनके वो डाइजेस्ट करने के अंदर शक्ति होती है जो कि आपके डॉग के अंदर नहीं होती है, तो डॉग कभी कभार अच्छे से डाइजेस्ट कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि वो कभी कभार दूसरा फूड भी खाते बट वो अच्छे से डाइजेस्ट कर लेते हैं, बट आपका जो डॉग है वो नहीं कर पाता। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।